नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी आज कोटा के एक फार्म पर आया हुआ हूं और आप सबका स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। यहां पर जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है मैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूं और पर्पज भी बताऊंगा कि क्या है। आइए मिलते हैं पहले अपने किसान साथियों से। नमस्कार किसान साथियों, यहाँ पर ये किसान साथी हैं, इन्होंने ये पौधारोपण किया है। ये बहुत सुंदर फार्म है, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने रो लैंड है, मैं इसे वर्जिन लैंड बोलता हूँ कि जिसमें अभी तक कोई भी खेती नहीं हुई है। और इसे चारों तरफ से देखिए कि यहाँ पर जंगल था बिल्कुल, जैसे ये वाले पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको जो पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं, किकर के पेड़ हैं ये सब साफ हुए। और यहाँ पर ये वर्जिन लैंड है, बहुत अच्छी लैंड है। इस पर इन्होंने नींबू मौसमी और संतरा की खेती और अपना फार्म बनाने का निश्चय किया है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनका परिचय। नमस्कार किसान साथियों, नाम राजेंद्र सिंह, हम लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और उसके साथ में हम लोगों ने इसको साथ में स्टार्ट किया है। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम जितेंद्र है और हम दोनों ने मिलकर के इस फार्म को डेवलप किया है जिसमें हमारे को त्यागी जी का बहुत सहयोग है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम तनिष खूब चंदानी है, मैं स्टूडेंट हूँ और ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरे ताऊ जी। मेरा जो परिचय हुआ वो राजेंद्र सिंह जी से हुआ और जब इनसे मेरी बात होती थी तो मैंने अंदाज़ा लगाया था कि कोई 50-55 साल के आदमी होंगे, तो यंग हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर्टी का काम है इनका। तो इनसे राजेंद्र जी ये बताइए कि आपने ये जमीन का प्रॉपर्टी से जमीन में क्यों आए आप? जो सर हम लोग क्या नेचर लवर थे। अच्छा, तो इसलिए हमें क्या जंगल बहुत पसंद था। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उसके साथ क्यों नहीं हम अपना फॉरेस्ट तैयार करें। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों ने जो है और काफ़ी टाइम से ये सुनने में आ रहा है कि जो है ग्लोबल, मतलब जो है ये मान लो इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग में तो हमने जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारा फोकस आया कि हम लोग क्यों नहीं एक फॉरेस्ट क्रिएट करें जिसमें हम कार्बन को जीरो कर पाए। जीरो कर, ये हमारा मेन पर्पज रहा है। इसी के कारण फिर हमने जो है रेगुलर क्रॉप नहीं करने की जगह हमने बगीचा लगाने का प्लान किया जिससे कि हमेशा जो है हम लोग कार्बन को जीरो कर पाए और हमारे यहाँ पर नेट जीरो कार्बन का प्रोसीजर चालू रहे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने कितनी ज़मीन है ये आपकी? ये हमारी अभी 50 बीघा है। अच्छा। जैसे कि इसको अगर हम ले तो 20 एकड़ है। 20 एकड़ एक एकड़ में 2.5 बीघा होते हैं राजस्थान? हाँ जी बिल्कुल, 2.5 बीघा होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास अभी 20 एकड़ की लैंड है वो ऐसे पड़ी हुई है, उसको हम नेक्स्ट ईयर तैयार करें। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये इस तरफ यूकलिप्टिस के भी पेड़ हैं, एक ये बाउंड्री है और दूसरी तरफ भी है बाउंड्री, यूकलिप्टिस के पेड़ हैं। हाँ। तो ये क्या हैं, ये आपने लगाए थे या पहले से ही लगे हुए? नहीं, ये पहले से लगे हुए थे, हमने तो इनको मेंटेन कराया। अच्छा। हाँ, और हमने ये देख ये, मतलब ये डिसाइड किया है कि जब तक हमारे बैम्बू के जो पौधे हैं वो इनके लेवल तक नहीं जाते हम इसको मेंटेन रखेंगे। चलो बैम्बू पर बात आई तो आप बताइए बैम्बू का आपका क्या एक्सपीरियंस है? बैम्बू की बात करूँ तो बैम्बू से मैं इसलिए अट्रैक्ट हुआ क्योंकि ये जमीन से कार्बन को हटाने का काम करता है और पर्यावरण के लिए बहुत सहयोग देता है और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो एक तरह से अपनी पेंशन का जुगाड़ करने के लिए हमने इसको करा ताकि बाद में अगर ये आए लाइफ टाइम हमें इसको पेंशन भी मिलती रहे और पर्यावरण का सहयोग भी मिले हमारे को। और एक बांस का जो है मल्टीपल यूज़ है, इसलिए भी उसको करने के पीछे ये रीज़न रहा कि हम बेम्बू को किया जाए। आपको बेम्बू की मतलब बेचने की कोई चिंता नहीं है कि कहाँ बिकेगा या कोई नहीं? उसके इतने मल्टीपल यूज़ है कि बेचने की तो कोई आवश्यकता नहीं, लेने वाले खुद ही आएंगे क्योंकि। अच्छा। उसका एक यूज़ नहीं है, बहुत सारे यूज़ है। तो आपने पहला प्लांटेशन बेम्बू का कब किया था? पहला प्लांटेशन हमको करीब हो गए 6 महीने करीब हो गए। 6 महीने कितने पेड़ लगाए थे? हमने 2,500 पेड़ लगाए थे। और उनमें से कितने हुए? अभी तक तो कोई नहीं हुए, मतलब 2,500 के 2,500 लगभग खराब हो गए। 2,500 खराब हो गए, उसमें कुछ हमारी कमी रही, कुछ हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिला। अच्छा। और उस मार्गदर्शन न मिलने की वजह से आपसे हम सहयोग की आशा करते हैं। मेरा मेरे को ही क्यों, आप मेरे से तो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। नहीं, एक्चुअली एक्सपर्ट से नहीं होता है, क्यों? जब तक आप किसी चीज़ का अनुभव नहीं करेंगे फील्ड में जा करके आपको अनुभव नहीं मिलेगा। एक अनुभवी आदमी से अगर अनुभव लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है और हम उसकी गाइड हमने पूरी तरीके से नहीं ले पाए जो हमारा एक बहुत बड़ा फॉल्ट रहा। और दूसरा, हम पानी भी नहीं दे पाए थे बेम्बू में, लेकिन अब हम आपकी छत्र छाया में जैसा आप बोलेंगे उस तरीके से काम करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ
ये बेम्बू का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये पौधे बेम्बू के कहाँ से लिए थे, मतलब शहर का नाम बताइए। ये हमने जबलपुर से लिए थे, जबलपुर से मंगाए थे। उन्होंने बताया नहीं था कि कैसे लगाने हैं। उन्होंने तो बोल दिया खाद डाल के मस्त रहो, सो जाओ। और किसान साथियों मैं बताता हूँ कि जैसे कहते हैं कि बांस एक घास है, लेकिन नहीं है, घास है, घास प्रजाति का पौधा है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको अगली वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि बैम्बू के पौधे कैसे मरते हैं, मेरे यहाँ हुआ है और उसका कारण क्या है और कैसे बचाएंगे। राजेंद्र जी, आपने अभी फिर बैम्बू में 1000 पौधे मंगाए हैं मेरे यहाँ से, वो क्यों, मतलब लगा नहीं कि ये भी मर जाएंगे? नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा कि पहले जहाँ पे हमने पौधे लिए थे वहाँ पे हमने क्या है नर्सरी देखी थी और उनके पास बाग था, लेकिन वो क्या उसको नया क्रिएट नहीं कर रहे थे, फील्ड में उनका काम नहीं देखा था, बहुत पहले उन्होंने किया हुआ था क्रिएट। अच्छा, अभी प्रेजेंट में वो बास मतलब जो ना सिर्फ नर्सरी बेचते हैं, प्लांट नहीं लगाते, लेकिन आपके हमने देखा कि 6 महीने का भी प्लांट है, 1.5 साल का भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है। अच्छा, तो हमने देखा आपके यहाँ 0 से लेकर 3 साल तक अभी प्लांट ग्रो कर रहा है, इसलिए हमने देखा कि आपकी गाइडेंस में हम ज्यादा अच्छा डेवलप कर सकते हैं। आपने नींबू के पौधे भी मेरे यहाँ से मंगाए हैं, हाँ, थोड़े मेरे पौधे महंगे भी हैं और फिर मुझे यहाँ भी बुलाया है, इतना हाँ, खर्चा, कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि मैं पूरे इंडिया में सर्च कर रहा था कि मुझे अच्छे नींबू के प्लांट कहाँ से मिल सके, लेकिन मैं नींबू के प्लांट पे सर्च नहीं कर रहा था, मेरा सर्चिंग ये रहता है कि मैं उसके लिए एजुकेशन भी प्रॉपर मेरे को मिले तो ही मैं प्लांट को चला सकता हूँ, क्योंकि प्लांट लेना बहुत आसान है, लगाना भी आसान है, लेकिन उनको चलाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें लगा कि आपके पास में ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही है, उस प्रैक्टिकल के कारण हमें आप से बात करी, आपसे हमें समय लिया और कंसल्टेंसी ली, और उसके लिए हमने फिर आपको जो इनवाइट किया, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात देहरादून एक्सप्रेस से मैं आया हूँ, जो देहरादून हरिद्वार मुंबई चलती है, सुबह 3:30 बजे जैसे ही मैं ट्रेन से उतर कर मैंने ऑटो किया, मेरा होटल बुक कराया भी आता इन्होंने, तो जैसे ही मैं ऑटो में बैठा तो राजेंद्र सिंह जी का फ़ोन आया, मैंने कहा आप भी रात को जाग रहे हो, और बहुत अच्छा स्वागत करता हूँ, थोड़ा सीनियर सिटीजन का फ़ायदा भी मिलता है। और मैंने कुछ इन लोगों को बताया है कि जो लोग अक्सर गलती करते हैं पौधा लगाने में, और इन्होंने ये माना मेरे को जब से खेत की तैयारी हो रही है कि गड्ढा कैसे होना चाहिए, किस तरह खाद मिलाना चाहिए, क्या खाद लगाना चाहिए। मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना डॉक्यूमेंट भी दिया है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि एक बार आप आइए, और मैंने देखा जब गड्ढे में खाद भर रहे थे तब गलतियां थी कुछ, तो अब इन्हें पूरा तरीका बताया है और उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेसफुल होंगे। yes. और हमारा ये जो वेंचर है मेरा भी साल में एक बार तो आना जाना लगा ही रहेगा। मैं चाहता हूँ जो मैंने काम किया है ताकि आने वाले समय में किसान लोग ये देखें कि ऐसी जनरेशन भी इस काम को कर सकती है, और मैं अपनी जनरेशन को, ये मेरा बेटा है, इसको मैं ट्रांसफर करके देना चाहता हूँ। आप बताओ आप क्यों इसमें मतलब आना चाहते हो, आपके सामने तो ऑप्शन था कि आप कहीं जॉब करते एंजॉय करते। वो कहीं ना कहीं मेरे को मेरे पापा से मिला है, मैं भी नेचर लवर ही हूँ। अच्छा, तो मेरे को शुरुआत से ये सब चीज़ें अट्रैक्ट तो करती ही थी, तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं और यहाँ पर यहाँ रहूँगा तो पापा के साथ मेरे को टाइम स्पेंड करने का बहुत मौका मिलेगा, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ है नहीं। कोटा तो फेमस है कोचिंग के लिए, कहते हैं कचौड़ी, कोचिंग और क्राइम, तीन चीज़ के लिए कोटा फेमस है। yes, yes. पर मुझे कचौड़ी के लिए बहुत फेमस लगता है। सुबह मैंने अपनी चिर परिचित जो मेरी फेमस जोधपुरी कचौड़ी थी वो खाई है, अभी भी एक रखी है, लेकिन अब मैं सादा खाना खाऊँगा। और मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं, और जब इस तरह से किसान मेरे साथ जुड़ते हैं, देखिए मैं अपने खर्चे से किसी के यहाँ नहीं जा सकता, बड़ी क्लियर बात मैं बताता हूं, मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हूं, आप बार बार एक बार मेरे से सलाह ले सकते हैं, बार बार नहीं मैं दे सकता, बहुत किसान हैं। तो मैं ऐसे किसानों को चाहता हूँ जो कुछ करें, और मैं भी उनके लिए फिर रात दिन खड़ा रहूँगा उनके साथ में। इसी की शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।